OMG 2 का ट्रेलर, लियो मूवी का ग्लिम्स, द बॉयज फ्रेंचाइज में बनी न्यू वेब सीरीज जेनवी और लोकी सीजन 2 और ड्रीम गर्ल पार्ट 2, इन सभी बात करने वाले आज हम। तो चलो शुरू करते। हाँ भाई, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ इन सब न्यूज के लिए, मगर इसी एक वजह है मेरे पास यार, क्योंकि तुम्हारा भाई हो चुका था बीमार। 5 दिन लगे भाई पूरा रिकवर होने के लिए, तो जैसे ठीक हुआ वैसे तुम्हारे पास आ गया। तो गुरु, OMG 2 का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, बढ़िया है, देखने में लग रहा है मजा आने वाला। इस ट्रेलर को देख के मैं जितना समझ पाया हूँ, मुझे उससे यही लग रहा है कि ये अपने पार्ट से बिल्कुल अपोजिट होने वाली है। कांति शरण का जो बेटा होता है वो कुछ वीडियो बनाया था, वो वीडियो अश्लील है या नहीं है ये तो हमें मूवी में देखने के बाद ही पता लगेगा, और ये पूरी कहानी उस वीडियो के ऊपर ही डिपेंड है। गदर 2 और OMG 2 दोनों घर दर को रिलीज हो रही है, बस फर्क इतना है एक मूवी बेस है धर्म के ऊपर और एक मूवी बेस है कर्म के ऊपर। वैसे OMG पार्ट 2 मूवी अच्छी हो सकती है, मगर कुछ टाइम पहले जो न्यूज आई थी कि इसमें से बहुत सारे सीन कट करती है, दबा के कैची फेरी है इन्होंने भाई, इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बाकी बस मैं यही चाहता हूँ, अगर कुछ अच्छा ना दिखा पाओ, कुछ बुरा काम करके मत चले जाना। देखते है मूवी क्या तहलका मचाएगी या फिर शांत होकर बैठ जाएगी। 11 तारीख को मैं जाऊंगा दोनों देखने। उस टाइम ग्लिम्स का टाइम चल रहा है और लियो ने भी अपने ग्लिम्स मार्केट में फेंक दिया भाई। संजय दत्त भी आ गया भाई लियो मूवी। भाई का रोल क्या है क्या नहीं, मगर जितनी भी थ्योरी बना रखी थी ना सब में आग लगा दी डायरेक्टर ने, अपना ग्लिम्स छोड़ा और सबके दिमाग के ग्लिम्स हटा दिए भाई। मुझे जो लगता है कि संजय दत्त का रोल इसके अंदर एक एंटी हीरो हो सकता है, मतलब बुरे के लिए बहुत बुरा और अच्छों के लिए बहुत अच्छा, ये वाइब आ रही है मेरे को इसको देख के। बाकी तुम्हारी क्या राय है कमेंट करके बता देना, बस दिमाग में एक बात खटक रही है, अगर ये सभी अच्छे दिखा देंगे तो बुरा सिर्फ एक ही होगा क्या? रोलेक्स मतलब इतना खतरनाक है वो, इन सबके एल लगा देगा। मैं इस थैनोस को देखना चाहता हूँ जो बिना चुटकी मारे काम खराब कर देगा सबके। ये तो हमको लियो मूवी का फाइनल ट्रेलर देखने के बाद ही पता लगेगा कि लियो मूवी गजब होने वाली है नहीं। तो गुरु, द बॉयज तो सब लोगों ने देख रखी होगी। अब द बॉयज फ्रेंचाइजी के अंदर एक नई सीरीज बनी है जेनवी। जेनवी का मतलब होता है यंग जनरेशन, नहीं ये मतलब नहीं होता यार, ये बस मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यंग जनरेशन आजकल के युवा जो तूफान मचा रहे हैं वही है ये, हाथ काट के खून निकाल ली है और उससे जादू हो गया। द बॉयज की फ्रेंचाइजी मुझे इतनी ज्यादा पसंद है यार, जब से मैंने एक ऐसा सुपरमैन देखा जो सबके सामने तू मेरा भाई और मुड़ते ही तेरी ये बंदा मुझे दिल से पसंद है भाई। तो भाई द बॉयज की फ्रेंचाइजी जिसने नहीं देखी पहले जाके देख लो, ऑसम सीरीज है भाई। ड्रीम गर्ल, गुरु ड्रीम गर्ल का पार्ट 1 बहुत अच्छा था, पार्ट 1 मैं आज भी देख ले तो कभी मन करता है तो मेरा, मगर पार्ट 2 मुझे सच में पसंद नहीं आ रहा यार, क्योंकि इसमें सेम वही कैरेक्टर जो उसके पार्ट 1 में थे, बस उनको एक अलग कैरेक्टर में ढाल दिया गया है और बेकार है। मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट था बेस्ट था, सेकंड वाला मुझे लग नहीं रहा, मुझे देखना पड़ेगा ये, मैं देखना चाहता हूँ इसको, या इंटरेस्टेड हूँ इसमें, पता नहीं क्यों, मगर मेरे दिल से ये आवाज नहीं आ रही कि मैं इसको देखूँ यार। सुनो भाई, पार्ट 1 अच्छा हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 2 को बिल्कुल सेम करना है आपको, नहीं भाई, हम चाहते तुमसे कुछ अच्छा करो, तुम हम देखेंगे उसे, बिल्कुल देखेंगे, हम बैठे इसलिए यहाँ पे यार सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें ये नहीं करना, अपनी चलानी है तो चलाओ भाई, फ्लॉप पे फ्लॉप आएंगी क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं जाऊंगा। लोकी क्या ही ऑसम है भाई, मैं बता रहा हूँ मैंने जब इसका पार्ट 1 देखा था टीवीए से प्यार हो गया मेरे को, यहाँ पे गुदवाने वाला था मैं टीवीए, वो तो मम्मी ने मारते तो चांटे याद आ गया मेरे को, घर में रहता हूँ। ओहो लोकी भैया क्या गजब, सेल्वी खुद से बैठने लग गए खुद को सेट कर लिया तुमने, सही था यार ये, सही था, कोई नहीं मिला था खुद से सेट होते। मैंने खुद ही सीजन को रिपीट में 2 से 3 बार देख चुका हूँ, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया यार, मतलब मार्वल की जो सीरीज है उसमें नंबर 1 पे आता है मेरे लिए लोकी सीजन 1, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मार्वल का शो ऐसे होगा। बाकी लोकी सीजन 2 के बारे में बात करें तो भाई ऑसम सीरीज होने वाली है ये, इसका ट्रेलर देख के बता रहा हूँ मैं गजब, इसकी टक्कर लेने वाला कोई शो नहीं है अभी तक, मूनलाइट अपनी जगह बेस्ट है मगर इसकी टक्कर नहीं है भाई। गुरु अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारे एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर करके जाना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।